अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक सेल वाली शॉप है जहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी मिलती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ज़्यादातर मैं मार्केट से सामान लेती हूँ, सेल से, यहाँ से भी मैंने काफ़ी चीज़ें खरीदी हैं। तो ये एक जो इससे पहले मैंने डब्बा आपको दिखाया था वो राउंड शेप का था, 150 का था वो, और ये वाला डब्बा जो कि स्क्वायर शेप में है इसके प्राइस था 120। और ये काफ़ी वैरायटी यहाँ पर बास्केट्स की थी जो कि स्क्वायर शेप में है, ये भी 120 समथिंग इसका प्राइस था। और काफ़ी सारा कलेक्शन यहाँ पर है, कप्स का, हारपिक, हैंड वॉशेस और कैरी बैग्स, टिश्यू पेपर और कैसरोल वगैरह और स्टोरेज बॉक्स एंड मैनी मैनी मोर थिंग्स जो कि मैं आगे आपको दिखाती रहूँगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं और वीडियो अच्छे से यहाँ की बना कर लाऊँ। तो यहाँ पर कप्स थे और ये 40 रुपीज़ हर चीज़ का यहाँ पर सेक्शन था। और ये छोटू से चकला बिलन थे, ये देखें छोटे छोटे बच्चे जो खेलते हैं, छोटी छोटी लड़कियाँ, बहुत ही प्यारे से चकला बेलन थे। और ये सारे ब्रशेज़ वगैरह भी 40 रुपीज़ के थे। और यहाँ पर सेक्शन था, ये इन सब के प्राइसेस अलग थे। ये छोटी सी कढ़ाई थी बट ये बहुत ज़्यादा हैवी थी और इसका प्राइस था 220। और इसी तरह से मैंने यहाँ से एक भगोना भी उठाया था, वो काफ़ी हैवी था, इसका जो बेस था वो काफ़ी हैवी था, ये भी 200 समथिंग इसके प्राइस थे। और ये स्पाइसेस स्टोरेज का है, मसालेदानी जिसको बोलते हैं, 250 इसका प्राइस था। बहुत क्यूट सा ये बॉक्स था। और यहाँ से मैं ये स्प्रे भी लेकर गई हुई हूँ, आपने अगर देखा भी हो शायद मेरी वीडियोस में, तो ये 50 रुपीज़ का सेक्शन है यहाँ पर। और ये छोटी छोटी सी जो डब्बियाँ हैं ये 100 रुपीज़ हैं और इन सब के प्राइजेज़ अलग अलग थे। और ये प्लेट्स, इन प्लेट्स का प्राइस था 20 रुपीज़ ईच। और ये क्लोथ्स हैंगिंग के लिए था, ये छोटे बच्चों के लिए जैसे क्लोथ्स को हैंग करना होता है तो वो काफ़ी, ये इसका प्राइस था 150 रुपीज़। और ये अगेन 40 रुपीज़ वाले सेक्शन में था और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहा था, बट मैंने अभी इसे नहीं लिया क्योंकि इसके लिए मुझे स्पेस देखना पड़ेगा कि कहाँ पर मैं इसे लगा सकती हूँ। इसमें ऊपर भी स्पून्स वगैरह लगाने के लिए स्पेस था और कप्स के लिए भी काफ़ी अच्छे इसमें हैंडल्स थे कप को लगाने के लिए। और ये ब्रश था बोटल्स के लिए, बोटल्स को आप इजीली क्लीन कर सकते हैं इस ब्रश से। और ये भी मैं लेकर गई हूँ यहाँ से। और ये स्टैंड मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था बट मैं यहाँ से लेने के लिए आई थी, जो मैंने नॉन स्टिक पैन लिए थे उनके लिए मुझे लकड़ी के स्पैचुलास की ज़रूरत थी, तो मैं वो लेने के लिए यहाँ आई थी बट वो मुझे यहाँ नहीं मिला। देन फिर मैंने वीडियो शूट कर ली थोड़ी सी वहाँ की। और ये कुछ किचन वाइपर्स थे, सेम 40 रुपीज़ इनके प्राइस थे।
और ये 50 रुपीज़ का एक बॉक्स था विद लिड, काफ़ी क्यूट सा था। और ये स्टील का सेक्शन था, स्टेनलेस स्टील ऊपर लंच बॉक्सेस लगे हुए हैं। और ये स्ट्रेनर था बड़ा सा, जैसे हम कोई चीज़ बॉईल करके उसे स्ट्रेन करते हैं उसके लिए। और ये ग्लव्स थे, क्लीनिंग वाले ग्लव्स, जिसको हम हाथ में पहनकर अच्छे से क्लीन कर सकते हैं जहाँ भी हमें डस्ट दिखाई देती है उसको। और ये इसमें छन्नी वगैरह और ब्रशेस थे, स्पैचुला थी, ये स्पैचुला और ब्रश का सेट था। ये नॉनस्टिक की पैन के लिए ही यूज़ में आते हैं। और ये ब्रश मेरे पास है ऑलरेडी, बट स्पैचुला मुझे लकड़ी की ही चाहिए थी तो मैंने ये नहीं ली। और ये डस्ट पैन था 60 रुपीज़ का, ये मुझे थोड़ा सा महंगा लगा। और ये देखें, ये वाला डस्ट पैन था। और ये काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर। और लकड़ी वाले स्पैचुलास के लिए उन्होंने ये बोला था कि 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएंगे, तो आप आकर एक बार चेक कर लेना, दोबारा से एक बार आ जाना देखने के लिए। तो और ये आइस के लिए क्यूब्स वाले ट्रे है। और ये कुछ, और ये लंच बॉक्स नीचे गिर गया था तो मेरे हस्बैंड ने फिर से इसे ऊपर रख दिया है। और ये बच्चों के लंच बॉक्सेस थे। और ये कांच के कुछ डेकोरेशन वाले पीसेस थे जो काफ़ी क्यूट थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बट ये थोड़े से महंगे थे। और फॉइल पेपर और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये आगे की साइड में वाटर बॉटल का सेक्शन था, जैसे कि गर्मियाँ आ चुकी हैं तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था वाटर बॉटल का भी। ये देखें, अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।